नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। अब तेजस मार्क टू एरो इंडिया 2023 में हिस्सा लेगा। 36 राफेल की पूरी डिलीवरी अप्रैल 2022 तक पूरी हो जाएगी। भारत सरकार ने एचएएल के साथ जागुआर एयरक्राफ्ट के लिए दो फिक्स्ड बेस फुल मिशन सिमुलेटर के लिए समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किए गए शक्ति एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भारतीय नौसेना को सौंपा। जीआरएससी अपना पहला लार्ज सर्वे वेसल 6 दिसंबर को लॉन्च कर सकती है। भारत और फ्रांसीसी वायुसेना ने पश्चिमी समुद्र तट पर डेजर्ट नाइट 2 का संयुक्त अभ्यास किया। एक बार फिर से नेपाल ने सीमा विवाद छेड़ दिया है भारत के साथ। अब वो उत्तराखंड के 3 गांवों पर अपना दावा ठोक रहा है। नेपाल ने उत्तराखंड के गुंजी, नाभी और कुटी गांव में अपना दावा ठोका है। नेपाली मीडिया ने कहा है कि नेपाली प्रशासन ने इन गांवों की जनगणना के लिए अपनी टीम भेजी थी, लेकिन भारतीय प्रशासन ने उन्हें सीमा पर ही रोक दिया। बता दें कि पिछले साल नेपाल ने इसी तरीके का काम किया था, जिसके बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से उसने यही राग अलापना शुरू कर दिया है। बता दें कि साल 2020 में भी भारत के उत्तराखंड स्थित इन 3 गांवों को उसने अपना बताया था। यहां तक कि नेपाल ने साल 2020 में अपने देश के मानचित्र में भी इन 3 गांवों को शामिल कर लिया था और नेपाल की ओली सरकार ने संसद में इन्हें मान्यता भी दिलाई थी। हालांकि भारत के कड़े विरोध के बाद नेपाल ने उस समय इस मामले को ज्यादा नहीं उठाया, लेकिन एक बार फिर नेपाल इन इलाकों को अपना बता रहा है। वहीं नेपाल की इस तरीके की दखल का जो विरोध है वो भारतीय गांव गुंजी, नाभी और कुटी के लोगों ने भी विरोध किया है और लोग नेपाल के खिलाफ यहां पर खड़े हो गए। लोगों का कहना है कि नेपाल जबरन इन गांवों को अपना बनाने में जुटा हुआ है। कई लोगों का ये भी कहना है कि चीन से दोस्ती के बाद नेपाल के सुर बदल गए हैं और वो भारत के इन 3 गांवों को अपना बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यानी कि पूरी तरह से बात क्लियर है कि नेपाल को जब तक आईना नहीं दिखाया जाएगा तब तक ये नहीं मानने वाला। अब इसके साथ डंडे की भाषा से बात करनी होगी। फ्रांस और भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी समुद्र तट पर संयुक्त रूप से अभ्यास किया। वायुसेना ने बताया कि इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच सहयोग और दोस्ती के संबंध मजबूत होंगे। इस अभ्यास का नाम डेजर्ट नाइट 2 रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास में फ्रेंच एयरफोर्स के मिराज 2000 और राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने इस दौरान अपने SU-30 और जैगुआर फाइटर्स को उतारा। इसराइल ने अब रोबोट सेना तैयार करनी शुरू कर दी है। ईरान और हमास जैसे दुश्मनों से घिरे इसराइल ने एक ऐसी रोबोट सेना तैयार की है जो न केवल युद्ध में लड़ सकती है बल्कि सीमा पर इंसानी सैनिकों की जगह ले सकती है। इसराइल की रक्षा कंपनी इल्बिट और रोबोट टीम ने इस रोबोट सेना को तैयार किया है। इस रोक अनमैन ग्राउंड व्हीकल के जरिए पैदल सेना की कई तरीके की भूमिका निभाने में मदद की जा सकती है। इसराइली कंपनी का दावा है कि ये रोबोट सीमा पर इंसानी सैनिकों की जगह भी ले सकते हैं। सीमा पर जिन खतरनाक इलाकों में इंसानों को भेजने में खतरा होता है वहां पर इन रोबोट सैनिकों को भेजकर मनचाहा काम कराया जा सकता है। ये रोबोट खतरनाक हथियारों से लैस हैं और दुश्मन को पलक झपकते ही साफ कर सकते हैं। इजरायली विशेषज्ञों ने कहा कि रोक रोबोट के अंदर खुद ही खतरों को भांप कर फैसला लेने की क्षमता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता से लैस है, इससे वो जंग के मैदान में आसानी से भिड़ भी सकता है। जंग के मैदान में खराब होने पर इसके पार्ट्स को आसानी से सैनिक वहीं पर बदल सकते हैं। इसका वजन 1200 किलोग्राम है और ये इतने ही वजन का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। इसकी जो रफ्तार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये जमीन से 24 सेंटीमीटर ऊपर चलता है। इसकी बैटरी का वजन है 40 किलोग्राम और 8 घंटे तक वो चलती है। लंबे मिशन के लिए इसके अंदर एक अतिरिक्त बैटरी की जगह है और इसके अंदर जनरेटर भी लगाया जा सकता है। कई सारे रोक रोबोट को केवल एक व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है और इन रोक रोबोट की कीमत $1.5 लाख से $3 लाख के बीच है और ये रेगिस्तान, बर्फ या पहाड़ी इलाकों में चल सकता है। इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं और ये युद्ध के क्षेत्र में दुश्मन के पीछे भी जा सकते हैं। वहीं ये सड़क से हटकर बिना पलटे चल सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के रॉक रोबोट की जरूरत अब भारत को भी पड़ गई है। जिस तरीके से चाइना के साथ भारत का विवाद बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अगर भारत इजराइल के साथ मिलकर इस तरीके के रॉक रोबोट में काम करता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और ऑलरेडी भारत के इजराइल के साथ कई सारे रक्षा संबंध मजबूत हैं और ऐसे में ये करार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एचएएल पहली बार तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट को अब जनरल पब्लिक के सामने पेश करने वाला है एरो इंडिया 2023 में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि तेजस मार्क 2 का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा हो चुका है और इसके रॉ मटेरियल की खरीद भी शुरू हो चुकी है। यही नहीं, इसकी मेटल कटिंग फरवरी 2021 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो एक्चुअल मेटल कटिंग है वो अब शुरू की गई है। पहला तेजस मार्क 2 अपनी असेंबली जिग में फरवरी 2022 में पहुंच जाएगा। इसके अलावा एचएएल को रोटेटिंग पोजीशन वाला उत्तम मार्क 2 रडार मिल जाएगा, जिसको तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जो कि 2022 तक लग जाएगा। तेजस मार्क 2 दिसंबर 2022 तक रोल आउट हो जाएगा, जिसके बाद इसका लो और हाई स्पीड टेक्सटाइल किया जाएगा 2023 की शुरुआत में और इसकी पहली फ्लाइट 2023 के अंत तक हो जाएगी।
वहीं एचएएल ने ये योजना बनाई है कि तेजस मार्क 2 की सभी डेवलपमेंटल ट्रायल्स 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे और 2028 तक ही अपने प्रोडक्शन में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि 2028 तो काफी दूर भी है, लेकिन फिर भी प्रयास ये करना चाहिए कि ये काम 2026 से 27 के बीच हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को अब सभी 36 राफेल जनवरी 2022 की बजाय अप्रैल 2022 तक मिल जाएंगे। ये बात फ्रांस के एम्बेसडर ने कही है। उन्होंने कहा कि 29 राफेल जेट्स जिन्हें डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है वो भारत पहुंच चुके हैं, जबकि एक एयरक्राफ्ट अभी फ्रांस में है। इसके अलावा सभी 36 राफेल की जो संख्या है वो पूरी हो जाएगी 2022 के अप्रैल के महीने तक। भारत सरकार ने 357 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है एचएएल के साथ, जिसके तहत जागुआर फाइटर जेट्स के लिए दो फिक्स्ड बेस फुल मिशन सिमुलेटर्स खरीदे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल जागुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के लिए किया जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट में जागुआर का सालाना मेंटेनेंस भी शामिल है। बता दें कि इस तरीके के सिमुलेटर से जो फ्लाइंग ट्रेनर्स है उनकी क्वालिटी हायर स्टैंडर्ड की हो जाएगी और इसके अलावा वो इसमें लॉन्ग रेंज वेपन का सिमुलेशन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को सौंपा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शक्ति एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भारतीय नौसेना को सौंपा है। और ये जो नया शक्ति एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो भारतीय नेवी के पुराने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बदलेंगे। और ये जो नया शक्ति एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये भारत के सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि पहला शक्ति सिस्टम P-15B डिस्ट्रॉयर के ऑनबोर्ड पर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा INS विक्रांत के ऑनबोर्ड में भी लगा हुआ है। बता दें कि 12 और शक्ति सिस्टम BDL के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत करीबन 1805 करोड़ रुपए है। और ये जो बाकी के शक्ति एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उन्हें P-15B डिस्ट्रॉयर और P-17 स्टिल फ्रिगेट्स के अलावा तलवार क्लास के फ्रिगेट्स में भी लगाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में गार्डन रिच शिप बिल्डर ने 4 लार्ज सर्वे वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, जिसकी कीमत करीबन 2435 करोड़ रुपए है। बता दें कि पहले लार्ज सर्वे वेसल पर कील बिछाने का काम नवंबर 2019 में शुरू किया गया था, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उनमें कहा जा रहा है कि GRSC अपना पहला लार्ज सर्वे वेसल को 6 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंपेगी। 3300 टन का ये वेसल 231 लोगों को अपने साथ कैरी कर सकता है और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वे पिलोट लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी लगाया गया है, जो कि कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।